मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका द लीडर हिंदी में। वक्त हो चुका है 10 बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड दौरे पर निकलेंगे। अपने व्यस्त कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के हुगली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सभी राज्यों को सौगात देंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने की संभावना है। इस लिस्ट में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम होने की पूरी संभावना है। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और ये सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से शीर्ष अदालत में एक कैविएट याचिका भी दाखिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नई तारीख सामने आ गई है। सूत्रों का दावा है कि 10 मार्च तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से भी एक मंत्री बन सकता है। इसके साथ ही सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के भी मंत्री बनने की खबर है। निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल पटेल को 6 सीटें ऑफर की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी और अपना दल को 2-2 सीटें दी जाएगी, जबकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीट दी जाएगी। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खनन घोटाले पर सीबीआई के समन पर गुरुवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि उन्होंने सीबीआई को पत्र के जरिए जवाब भेजा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सीबीआई को जांच में सहयोग करने का आश्वासन देने के साथ साथ सवाल किया कि आखिर उन्हें चुनाव से पहले नोटिस क्यों भेजा गया। हिमाचल कांग्रेस में सत्ता एवं संगठन के बीच जारी तूफान थमा नहीं है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कल रात शिमला से चंडीगढ़ रवाना हुए। उनका आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, बाद में जयपुर भी जाएंगे। शिमला से चंडीगढ़ जाने पर वो विधानसभा से अयोग्य किए गए 6 विधायकों से एक निजी होटल में मिले हैं। महाराष्ट्र में इंडिया की 3 पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। राज्य के 48 लोकसभा सीट में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 18 और शरद पवार को एनसीपी को 10 सीटें मिली है। तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम मैच 7 मार्च को धर्मशाला में खेला जाना है। फिलहाल भारतीय टीम इस सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 5वें टेस्ट के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। यूपी में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। आज भी 24 शहरों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। अब 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। शुक्रवार को लखनऊ कानपुर में धूप खिली हुई है। आज के 10 बड़ी खबरों में इतना ही। देश विदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ। धन्यवाद।